तुम्हें खाने को मिल रहा है सही, जनता को खाने को भी नहीं मिल रहा है, और तुम बाहर की कंट्री के लोगों को बोल रहे हो। मीडिया ने हवा बनाया, ये लोगों ने गलत मैसेज पहुंचाया। ठीक है, आई अधिकारी आई, देखा, इंक्वायरी किया, उसको कुछ पाया नहीं गया, नहीं पाया गया, सब अपने अपने को लौट गया। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर अपनी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उससे अगर एक इंच भी, अगर इसने एक फुट भी अगर बढ़ा के आप इसने रोजगार कमाओगे या रोजी कमाओगे वो नाजायज है, वो हर कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रोजगार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मगर ये सिर्फ एक तो मंदिर मस्जिद का मसला, ऊपर से आपको इस गाने में जो है आप ये देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो इस गाने में अल्लाह अकबर तो अजान के ऊपर, अरे इससे कुछ नहीं है। ऐसा है, पहले आपने क्यों नहीं देखा जब आपकी लड़की ने इस गाना कदम उठा लिया, उसके बाद उस लड़के को आपने मार दिया। रुपये 20,000 रुपये लेके जब इनको पार कराते हैं तब गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, जब ये आ जाते हैं, अरे अगर आ रहे हैं तो पहले वहीं मार दो ना, बॉर्डर पे मार दो, चाहे पाकिस्तान से घुसे तो मार दो, अफगानिस्तान से घुसे तो मार दो, बांग्लादेश से घुसे तो मार दो। बहुत अच्छा है, यहाँ कोई अनऑथराइज काम नहीं है, कोई अनलीगल काम नहीं है, किसी ने यहाँ की कोई पब्लिक ने कोई विरोध नहीं किया, पब्लिक सरकार के साथ है, कानून के साथ है। सरकार किसके साथ है? सरकार पब्लिक के साथ होनी चाहिए। अब जो लोगों ने हवा बनाया कि अनऑथराइज है, अनलीगल काम है, सरकार मीडिया ने बनाया, गोदी मीडिया ने हवा बनाया, ये लोगों ने गलत मैसेज पहुंचाया। ठीक है, आई अधिकारी आई, देखा, इंक्वायरी किया, उसको कुछ पाया नहीं गया, नहीं पाया गया, सब अपने अपने को लौट गए, नहीं चला, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला। तो मैसेज बुलडोजर लाके के यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज क्या देना चाहते हैं? कुछ नहीं। देखिए, यहाँ के लोग अनलीगल नहीं हैं, सब देश के साथ हैं। देखिए, हम जो काम करेंगे हमें भी पता है कि क्या लीगल है क्या अनलीगल है, तो सही रहना चाहिए, आदमी को गलत नहीं करना चाहिए, और ना गलत कुछ था ना गलत कुछ हुआ। कहा गया था कि यहाँ पर काउंसलर साहब से लीजिए मैसेज आ रहे हैं, कर रखा है, और यहाँ पर पहले अगर हटा दिया गया था अतिक्रम तो उस क्या लाया गया है, जहांगीरपुर में भी बुलडोजर चला, का भी चला। बाकी का मुझे नहीं पता, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। कैसा देखना चाहते हैं बुलडोजर लाके, क्या डर का माहौल बनाना चाह रही है सरकार, क्या कर रही है? कोई डर का नहीं है, आपको मैं बताऊं, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर अपनी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उससे अगर एक इंच भी, अगर इसने एक फुट भी अगर बढ़ा के आप इसने रोजगार कमाओगे या रोजी कमाओगे वो नाजायज है, वो हराम है। अब यहाँ पर ही जो अगर गवर्नमेंट की नज़र में और यानी कागज के नज़र में अगर बढ़ावा है जितना भी 2 फुट 3 फुट 4 फुट है, तो हम ये कहते हैं कि इस घटने में कार्रवाई गवर्नमेंट करे अपनी, कोई परेशानी नहीं। बुलडोजर तो चल रहा है यूपी में, चल रहा है एमपी में, चल रहा है, अब यहाँ दिल्ली में आ गया है, तो जो कार्रवाई है जो ऐसा है ना, ये रोड के ऊपर का मामला है, ठीक है, ये रोड के ऊपर का मामला है, और ऐसा है ये तो हम खुद जान रहे हैं। अभी जो ये जो इस घटने में खाली हुआ है ना, और ये तमाशा देखने वाले जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ किस लिए है कि प्रोटेस्ट था, अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे, मगर उसको नाजायज करार दे दिया। एक मिनट, गवर्नमेंट की नज़र में नाजायज था, गलत था, अपने हकूक की बात थी, ठीक, हक की बात थी। अब अगर ये कार्रवाई हो रही है जो जेन्युइन हो रही है, तो जिस टाइम में फोर्स आएगी तो 40 फुटे से एक आदमी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अभी फोर्स ना होने की वजह से ये जो है ये डिले हुआ है मामला। अच्छा, देश में और भी मामले चल रहे हैं सर, देखते हैं आप कैसे देश का जो माहौल चल रहा है उससे संतुष्ट हैं। गवर्नमेंट सुनो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रोजगार ख़त्म होते चले जा रहे हैं, मगर ये सिर्फ एक तो मंदिर मस्जिद का मसला, ऊपर से आपको इस गाने में जो है आप ये देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो इस गाने में अल्लाह अकबर तो अजान के ऊपर, अरे इससे कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है, कुछ होने जाने का नहीं है। हमारा देश तरक्की नहीं करने का है, हमारा देश जो है ये धरातल में और धस्ता चला जा रहा है नीचे, और आपको मैं बता दूं हमारी इकोनॉमी कहां से कहां चली जा रही है, और महंगाई के ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? सिर्फ पब्लिक को जो है उलझा के जो रखा है, सिर्फ इन्हीं कार्रवाइयों के ऊपर में उसका ना उलझा के रखा है गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं है। अभी तेलंगाना में एक
मेट्रो है, एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है, उस लड़की के परिवार वालों ने उस लड़के की हत्या कर दी है, कैसे देखते हैं? भाई ऐसा है, देखिए लड़की हमारी हो या किसी की भी हो, अगर हम उसको सही इस गाने में जो है शिक्षा देंगे और सही उसको फॉलो करेंगे और बच्ची की हर इस गाने में जो है एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे तो ऐसा हादसा नहीं होता। अब सुनो, 18 साल के बाद कानून इस गाने में जो है, सब कुछ गाने में जो है भाई इजाज़त देता है कि इस गाने अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानता हूँ। तब ऐसा है, पहले आपने क्यों नहीं देखा जब आपकी लड़की ने इस गाने कदम उठा लिया, उसके बाद उस लड़के को आपने मार दिया, तो ये गलत मारा। ये भी तो ऐसे माहौल ख़राब करने वाली बात है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम से ख़राब हो रहा है वहाँ। मुस्लिम का इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, अब उन्होंने मारा है तो कानून उनको सजा देगी, ख़त्म बात इस गाने में जाए। कानून जनता को अपने हाथ में केस नहीं लेना चाहिए, जनता अपने हाथ से इंसाफ ना करे, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए इस गाने में पुलिस है, सब कुछ है, तो ये तो गवर्नमेंट देखे ना, ये गवर्नमेंट की ही गाना शे के ऊपर में आज हिंदू मुसलमान बढ़ रहा है, ये अपनी राजनीति के चमकाने के चक्कर में ये ऐसी गाना कार्रवाई जो कर रहे हैं जो देश हित के लिए गलत है। बंगाल में जाके अमित शाह बोलते हैं कि सीए था, है और रहेगा और दोबारा लागू होगा, सीए की सबसे बड़ी जगह ये, सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ। सबने सुनो, सीए का इस गाने में जो रोना रोते रहते हैं, सुनो सीबीआई कहाँ गई, एटीएस कहाँ गई, इस गाने में जो इंटेलिजेंस कहाँ गई, क्राइम ब्रांच कहाँ गई, सबको मालूम है कि इस गाने में जो एक मिनट कि बंगाल इस गाने में जो बंगाल में आपको लाल गोला भगवान गोला वहाँ पर इस गाने में जो एक नदी बहती है, बंगाल टाइगर इस गाने में फोर्स हमारी मौजूद है वहाँ, जब खुद इस गाने में ये लोग 16,000 रुपये 20,000 रुपये लेके जब इनको पार कराते हैं तब गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, जब ये आ जाते हैं, अरे अगर आ रहे हैं तो पहले वहीं मार दो ना, बॉर्डर पे मार दो, चाहे पाकिस्तान से घुसे तो मार दो, अफगानिस्तान से घुसे तो मार दो, बांग्लादेश से घुसे तो मार दो, तो फिर ये कार्रवाई तो तुम्हारी है, किसको नहीं मालूम है कि भाई यहाँ पर रोहिंग्या है वो इंटरनेशनल शरणार्थी हैं, ठीक, उनको यूएन ने इस गाने में जो है फैसिलिटी दे रखी है, आप भगा दो उनको, आप भगा दो, आप तो सब जान रहे हो इस गाना, सब देख रहे हो, उसके बाद इस गाना आप क्यों इस गाना में जो भाई इस गाने में जो पब्लिक में प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं, आप आए एक साथ गाड़ी भर के लेके जाएं उनको इस गाने में जो है छोड़ दें उनको कि जाओ जी चलो जी इनको छोड़ो इस गाने बॉर्डर पे इनको। जहांगीरपुरी में कल एक गिरफ्तारी और हुई है कल परसों, वो उसको मास्टरमाइंड बताया गया है, इतने दिनों से वो पुलिस के साथ थे और वहाँ के स्थानीय नेता थे, शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन वीडियो देख के पता चला पुलिस ने कि अब ये भी दंगों में शामिल था और इतने दिनों से पुलिस के साथ रह के शांति की अपील कर रहे थे वो। भाई ऐसा है सुनो, पुलिस रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने में इस गाना कोई देर नहीं लगता, अभी किसी को पकड़ के लेके जाए कितना इस गाने में जो है एक्टिव आदमी हो और उसको ले जाकर थर्ड डिग्री अपनाएंगे, सुबह को बोलेगा हाँ जी ये कांड मैंने किया था, ये कांड मैंने किया था, ये भी इस गाने में मैंने किया था, तो ऐसा है सुनो, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से ना देखें, आप अगर आपने शपथ ली है पुलिस में भर्ती होते टाइम तो आप उस यानी शपथ का इस गाना भरम रखो, उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि आपको शपथ दिलाई जाती है, आप इंसाफ का काम करो, क्यों कि अगर इंसाफ का काम नहीं करोगे तो आज क्या है कि देश के अंदर तराही तराही मची हुई है इस गाने में जो है, लोग नफरत इस गाना खा रहे हैं, आज हमारा देश इस गाने में जो है सुनो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बट के रह गया है और कुछ नहीं। देखो ऐसा है, ना तो हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसमें मुसलमान भी बुरे हैं, उसमें हिंदू भी बुरे हैं, उसमें ईसाना सिख भी बुरे हैं, सभी हैं, क्यों कि एक अगर मछली तालाब की अगर गंदी है तो वो सबको गंदी कर देती है, ठीक है, सब गंदी कहलाती हैं, तो हम ये चाहते हैं प्रेम भाव से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, हमारे देश की जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट जो कर रही थी आके वो भी वापस चली जा रही हैं, इकोनॉमी और डाउन होती जा रही है, अभी तो देखो एक डेढ़ साल के अंदर और क्या से क्या हाल होगा। मोदी जी जा रहे हैं बाहर, वहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, बहुत निवेश कर रही हैं यहाँ पे कंपनियां, अरे तुम्हें खाने को मिल रहा है सही, जनता को खाने को भी नहीं मिल रहा है, और तुम बाहर की कंट्री के लोगों को बोल रहे हो, अबे जब वो बाहर की कंट्री में अपनी माँ बहन देख रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है,
दीपक चौरसिया ने भी यही इस गाने में सवाल किए थे कि भाई बाहर से लेके आएंगे। अबे सुनो, क्या यहाँ से अगर लोग जाएंगे तो पाकिस्तान उनको शरण देगा? नहीं देगा मुसलमान को। क्यों नहीं देगा? क्यों कि हम भारत में पैदा हुए, भारत में रहे, हमें भारत से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दोस्त तो इनका है। क्यों कि यही लोग इस गाने में जो उनको बुलाते हैं और यही लोग इस गाने नागरिकता देते हैं। अदनान सामी क्या हमारा रिश्तेदार था, बताइए ना। कोई बात नहीं, देखने दो भाई, मैं जायज़ कहता हूँ। अदनान सामी हमारा रिश्तेदार है, उसको नागरिकता क्यों दी? उसको उसका नाम जो है पद्मश्री क्यों दिया उसको? हमारे देश के अंदर में नहीं है इसका ना। कितने वीर शहीद हो गए इसका ना, हमारे जवान, उनको देना चाहिए था ना। उनको तो कलाकार लोग हैं, कोई कलाकार नहीं, भड़वे हैं इसका नाम जो है। वो सब नाचने गाने वाले हैं, मिरासी हैं, उनको इसका ना कोई वो नहीं है। आप क्यों दे रहे हैं उनको नागरिकता? मोहसिन खान कौन था, उसको भी नागरिकता दी। सलमा का कौन थी, उसको नागरिकता दी। क्यों दी आपने? आप जाते हैं उनसे इसका ना अंदर खाने, तो उनसे आप बना के रखते हैं जनता को, इसका ना आवाम को आप दुश्मन बना के रखते हैं। क्यों बना के रखते? पाकिस्तान को हमारा रिश्तेदार है। आप जो देश का माहौल चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप देखिए, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। अगर आप देखो, अगर भगवान को मानते हो, अगर आपके सीने में दिल है, तो आप जाहिर फैसला दो, आप इंसाफ की बात करो, आप सबको समान लेके चलो, बराबर लेके चलो। सर कुछ कहना चाहते हैं या क्या कार्रवाई हुई? सरकार से यही कहना है, जियो और जीने दो। आज से पहले भी हिंदू मुसलमान रहते थे यहाँ पे, और अभी भी हिंदू मुसलमान रहते हैं। आज से पहले तो कभी झगड़ा नहीं होता था, ये अब जब से सरकार आई है क्यों झगड़ा होना शुरू हो गया? ये प्लॉटिंग जब पहले कटी थी तब नियम कहाँ था, तब बीजेपी कहाँ थी? ये प्लॉट जब कट रहे थे, अरे जब बन गए मकान खड़े हुए, उसके बाद आप तोड़ना शुरू कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? कोई भी सरकार तोड़ रही है, सरकार कुछ भी कर रही है, उससे पहले करना चाहिए था ना। अब आगे क्यों कर रही है? पहले भी इंसान लोग रहते थे, हिंदू मुसलमान सारे रहते थे, अब कहाँ से लड़ाई झगड़े पैदा हो गए? ये कैसे देखते हैं आप देश के माहौल? देश का हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रामनवमी पे माहौल बिगड़ता है, हनुमान जयंती पे माहौल बिगड़ता है, ये सब गलत है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। हमारे हिंदुओं से रिलेशन अच्छे हैं, मेलजोल अच्छे हैं, हम लोगों की आपस में लड़ाई कभी नहीं होती है। ये सब पॉलिटिशियन लड़ाई कराते हैं, जो भी कराते हैं। यहाँ पे कितने लोग मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कितने लोग यहाँ हिंदू रहते होंगे? हिंदू भी रहते हैं यहाँ पे करीब 5-7%। 5% तो है। अच्छा, कभी माहौल बिगड़ने की बात भी नहीं हमारे यहाँ, कभी हमारे यहाँ, यहाँ नहीं, हम लोग जसोला में रहते हैं, जसोला में कभी नहीं बिगड़ता लोगों से, वहाँ तो टोटल हिंदू में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है। किस तरीके से देखना चाहेंगे? जैसे योगी कह रहा, योगी ने बयान दिया था कि मई जून में गर्मी निकालेंगे, ये वही गर्मी है बुलडोजर से? ए, योगी जी महान है, योगी जी जो करेंगे वो सत्य है, बाकी सब बेकार है। नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई देखो, पहले एमपी पहुंचा, फिर यूपी पहुंचा, दिल्ली, सरकार तो अपना काम कर रही है ना सर बुलडोजर से? या सरकार ने आज से पहले काम क्यों नहीं करा? जब ये प्लॉटिंग हो रही थी, जब ये मकान इतने बने थे, सरकार को जब तोड़ना चाहिए था, ये बिल्डिंग बनने के बाद तोड़ने आए, पहले तोड़ना चाहिए ना। सरकार तो खुद पैसे खाए हैं इससे भाई, मकान तो पहले तो जहाँ पे प्लॉटिंग, अभी जेवर में प्लॉटिंग हो गई, पहले सरकार ने प्लॉटिंग कर दी, उसके बाद तोड़ दी, पहले तोड़ना चाहिए था ना, तो बनाने के बाद क्यों तोड़ते हो? आपका कानून है, आप कानून पहले से लेके आओ, ज़मीनों को पहले तोड़ो, ज़मीनों को अपनी को कैप्चर करो, उसको बनने के बाद, बेचने के बाद, लोन कराने के बाद उसको तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, पहले पैसे कमा लेते हैं और बाद में उसके बाद तोड़ दें, तो गलत है वो। ये थे यहाँ शाहीन बाग के लोग जो अपनी अपनी राय रख रहे थे इस मुद्दे पर, आज यहाँ बुलडोजर आया है और चला गया है, और अब देखते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है।